है कि रामनगर से हरदा को टिकट मिलने पर रणजीत रावत नाराज हैं। उनसे बात की हमारे संवाददाता दानिश खान। रावत रामनगर से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, ऐसे में उनके पूर्व सहयोगी रंजीत सिंह रावत यहां से निर्दलीय चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। आइए बात करते हैं इस मुद्दे पर खुद रंजीत सिंह रावत जी से। राव जी, आपके पूर्व सहयोगी, पूर्व मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय महासचिव हरीश रावत रामनगर से चुनाव लड़ रहे हैं, पार्टी ने उनको टिकट दिया है, क्या लगता है आपको? प्रदेश अध्यक्ष हैं आप, क्या लगता है आपको कि जो चुनाव वो लड़ रहे हैं, उन्होंने कहा है कि रंजीत सिंह रावत मेरे छोटे भाई हैं और मुझे वो रामनगर से चुनाव लड़ाएंगे। हमारे सारे साथियों ने, समर्थकों ने, शुभचिंतकों ने यहाँ पर इकट्ठे होकर कहा है कि पार्टी अपने निर्णय पर पुनर्विचार करे। तो अगर वो रावत जी ने, जैसा आपने बताया कि उन्होंने कहा मेरे छोटे भाई हैं, तो बड़े को तो बड़ा होना पड़ेगा। जिस तरह से उन्होंने कहा कि मैं यहाँ से चुनाव लड़ना चाहता हूँ, पार्टी ने उनका टिकट भी फाइनल कर दिया है, अब यहाँ से 28 तारीख को उनको नॉमिनेशन करना है, ऐसे में आपकी रणनीति आगे क्या होने वाली है? देखिए, चुनाव तो मैं भी यहाँ लड़ना चाहता था, मैं पिछले 5-6 साल से काम भी कर रहा था और सल्ट से रामनगर जाने को भी मेरे से बड़े भाई ने ही कहा। अब मेरा ऐसे फुटबॉल बनाया जाएगा तो मैं कहाँ जाऊँगा? पहले कहें कि सल्ट से रामनगर चले जाओ, कहें रामनगर से सल्ट चले जाओ, तो ये तो ठीक नहीं है। यही बात मैंने पार्टी को, हाईकमान को कही और पुनर्विचार करने के लिए कहा गया है। हम पार्टी के निर्णय का पुन इंतजार कर रहे हैं। राव जी, निर्णय अगर आता है हरीश रावत के पक्ष में, तब आपकी क्या रणनीति रहेगी आगे? मैं पहले भी कह चुका हूं कि राजनीतिक जीवन में, सामाजिक जीवन में निर्णय अकेले नहीं लिए जाते हैं। हम अपने कार्यकर्ता साथियों, अपने शुभचिंतकों और अपने चाहने वालों से, क्षेत्र की जनता से वार्ता कर रहे हैं। बहुमत का जो निर्णय होगा उसके साथ जाएंगे। चलिए, हमारे साथ रंजीत सिंह रावत है। इनका साफ तौर पर कहना है कि जो उनके समर्थकों का विचार होगा उसको देखभाल करके आगे का निर्णय लेंगे, लेकिन जिस तरह से अभी के मौजूदा परिस्थिति में दिख रहा है, कहीं ना कहीं निर्दलीय चुनाव लड़ने की ओर इशारा कर रहे हैं रंजीत सिंह रावत, लेकिन अभी खुल के कुछ भी कहने को तैयार नहीं है। वीडियो जर्नलिस्ट इफ्तिखार हुसैन के साथ दानिश खान, एबीपी गंगा, रामनगर। ये जो घमासान है वो कांग्रेस पार्टी में देखने को मिल रहा है। रणजीत सिंह रावत के बाद टिकट बंटवारे से खफा पूर्व मंत्री हरीश चंद्र दुर्गापाल ने पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया है। दरअसल कांग्रेस ने लालकुआ सीट से संध्या डालाकोटी को प्रत्याशी बनाया, जिससे हरीश चंद्र दुर्गापाल और उनके समर्थक नाराज हैं। संध्या डालाकोटी हरीश चंद्र से मिलने पहुंची थी, लेकिन हरीश चंद्र दुर्गापाल के समर्थकों ने उन्हें रोक लिया। हरीश दुर्गापाल के समर्थक नहीं चाहते थे कि संध्या डालाकोटी को मुलाकात उनकी हो पाए हरीश चंद्र से। आशीर्वाद मिल रहा है और जनता के सहयोग के आधार पर हम निर्णय लेंगे और चुनाव के मैदान में जाएंगे। कांग्रेस से आपने इस्तीफा दे दिया है? कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया आपने? जब एक प्रदेश के संगठन ने, केंद्र के संगठन ने एक महिला को जिम्मेदारी दी, वो मातृशक्ति जो इतने यहाँ पर पुरुष बैठे हुए उनकी जगत जननी है, आज ऐसा क्या कारण रहा है जो ये मेरे को आज अपना आशीर्वाद देने को तैयार नहीं है।